प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कर्मचारियों के किसी भी धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश को पूरी तरह जन विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कर्मचारियों या किसी को भी अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार के किसी भी अलोकतांत्रिक निर्णय के खिलाफ लोगों के साथ खड़ी है और कांग्रेस संविधान से खिलवाड़ नहीं होने देगी। दुर्भाग्यपूर्ण फैसला माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो आदेश निकाले, एक दो दिन तो हम इसको वर्बल देख रहे थे, लेकिन पिछले कल जिस प्रकार से चिट्ठी निकाली, लेटर निकाला है, जिसमें साफ तौर पे जो प्रदेश सरकार में 2.5 लाख के करीब कर्मचारी सरकारी महकमों में जो काम करते हैं, उनके लिए एक आदेश सरकार का और मुख्यमंत्री जी का है कि आप अपने अधिकारों को लेके और अपनी मांगों को लेके किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, उस पर एक प्रकार से सरकार ने रोक लगाने के आदेश कर दिए। हमें समझ नहीं आता ये किस प्रकार की सरकार है। लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों के अधिकार हैं, सरकारी मुलाजिमों के कुछ मसले हैं जो पिछले काफ़ी समय से सुलझे नहीं हैं। बार बार वो सरकारों के पास जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर उनकी कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के बजाय आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, तो अपने अधिकार के लिए वो अपने मांगों को लेके सड़क पे नहीं जा सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसके लिए सरकार की निंदा करते हैं कि हम लोकतांत्रिक परंपरा में रहते हैं और हर व्यक्ति के अपने अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, तो अपने अधिकारों को लेके, अपनी मांगों को लेके सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसा आदेश है जो मुझे समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से दबाव में है। उनको समझ नहीं आ रहा कि 2.5 लाख जो कर्मचारी हैं वो अपनी सेवाओं के जरिए इस प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अगर आप उनको सैलरी देते हैं तो वो दूसरे तरीके से उन सैलरी के जरिए भी उस अर्थव्यवस्था में अपने परिवारों के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए एक प्रकार से जो सहयोग करते हैं अर्थव्यवस्था को आगे चलाने में, सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है। और हिमाचल प्रदेश का जो एम्प्लॉयज़ है वो प्रदेश के विकास के लिए एक अहम है, और उनके साथ सरकार को जो है बातचीत करके, जो उनको बुला के उनकी जो समस्याएं हैं, जिन चीज़ों का समाधान नहीं हो पा रहा है, हमारी एक मांग है सरकार से और मुख्यमंत्री जी से कि उनको बुलाएं, उनके नुमाइंदों को बुलाएं, वो किसी भी वर्ग का सरकारी एम्प्लॉयज़ हो, और उनसे बातचीत के जरिए उनकी सारी मांगों के ऊपर जो है सरकार को विचार करना चाहिए। क्या हम नागरिक और बच्चे उस देश के हों, और जो हमारे देश के हैं और दूसरे देशों के जो वहाँ बच्चे पढ़ने गए, काफ़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, और उनकी किस प्रकार की स्थिति जो है इस युद्ध के दौरान बनी है वो अपने आप में बहुत दिल दहलाने वाली है। लेकिन भारत के भी और हिमाचल प्रदेश के भी हज़ारों बच्चे बाहर उस मुल्क में पढ़ाई के लिए गए हैं, और ख़ास तौर पर MBBS करने वाले जो छोटे छोटे बच्चे 22-23 साल के बच्चे हैं और ख़ास तौर पर लड़कियाँ हैं, तो ऐसे माहौल में उनको किस प्रकार से वहाँ रहना पड़ रहा है। और सरकार की जो एडवाइजरी थी भारत सरकार की, उसके ऊपर समय रहते सरकार ने फैसला नहीं लिया। सरकार का इंटेलिजेंस क्या था, विदेश नीति क्या थी, वो पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क पे है कि अगर समय रहते ये फैसला हो जाता, वहाँ फ्लाइट्स बढ़ जाती, लोगों को निकालने का काम किया जाता, तो आज ये परिस्थिति ना बनती। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में भी आए, पेरेंट्स ने बात की है कि हमने बच्चों को लाने के लिए जो वहाँ का फेयर था तो 25,000 रुपया था, लेकिन आज जो है 80,000 रुपये तक भी उनको टिकट नहीं मिल रही है, फ़्लाइट्स नहीं मिल रही। और ख़ास तौर पर अगर हिमाचल की बात करें तो बहुत सारे बच्चे हिमाचल के अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे आ गए हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी फंसे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार के पास पूरा आंकड़ा भी नहीं जुटा पाई अभी हमारी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा कि मेरी नॉलेज में केवल 7 बच्चे हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सैकड़ों बच्चे फंसे हुए हैं, आपके पास मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप पूरा पता कर पाएं, और किस तरह से आप उनको हेल्प करेंगे, किस तरह से उनके पेरेंट्स से बातचीत होनी चाहिए, तो उनको विश्वास में लेना चाहिए था, भारत सरकार से बात होनी चाहिए थी, उनका पूरा डेटा डिटेल जो है वो शेयर करना चाहिए था, कौन सी फ्लाइट आएगी, कहाँ उनको कैसे वहाँ से एवैक्यूएट किया जाएगा, वो कोई भी पॉलिसी नहीं दिख रही सरकार की। तो ये अपने आप में सरकार को इसको तेज़ करने की ज़रूरत है। अब ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ बन चुकी हैं कि कौन बच्चा कहाँ है, कौन से बंकर में है, मेट्रो स्टेशन में है, बहुत हालात ख़राब है, खाने पीने की चीज़ों का अभाव है। मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं जिसमें बच्चे कह रहे हैं अपने पेरेंट्स से
कि हम जो है पानी और बिस्किट खा के गुजारा कर रहे हैं और आने वाले एक दो दिन में हमें लगता है कि खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो भारत सरकार को भी और हिमाचल प्रदेश सरकार को भी अपने इस पे गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है और वहाँ पर जो बच्चे फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी अपने देश में लाने का प्रबंध करना। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।